शहर का समस्त ब्राह्मण समाज आपस में मिलकर 21 को भगवान टॉकीज से श्री भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा निकालने जा रहा है। सोमवार को कुटुंब यात्रा की तैयारियों को लेकर मनका मेश्वर मंदिर परिसर में महंत योगेशपुरी की अध्यक्षता में समाज के प्रबुद्धजनों की एक बैठक आयोजित की गई। शहर का समस्त ब्राह्मण समाज आपस में मिलकर 21 को भगवान टॉकीज से श्री भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा निकालने जा रहा है। सोमवार को कुटुंब यात्रा की तैयारियों को लेकर मनकामेश्वर मंदिर परिसर में महंत योगेशपुरी की अध्यक्षता में समाज के प्रबुद्ध जनों की एक बैठक हुई। बैठक में शामिल भावना तेलंग शर्मा ने बताया कि कुटुंब यात्रा में समाज की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहेगी। महिलाओं में बहुत ही जोश भरा हुआ है। महिलाओं को पहली बार घर से निकलकर और कुछ करने का चांस मिला है, तो इस पे महिलाएं हमारी बहुत खुश है। तो वो सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और जहाँ तक है ये 21 तारीख को कुटुंब यात्रा निकलेगी उसमें महिलाओं की उपस्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है। तैयारी बहुत जोरों शोरों से है, और ये हमारे भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा जो 21 तारीख को निकाली जा रही है उसके लिए महिलाओं में काफ़ी जोश भी है, और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 21 तारीख को महिलाएं अपने घर से निकल के इस कार्यक्रम को और ज्यादा संपन्न बनाएं। श्री भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा की तैयारियों को लेकर मनकामेश्वर मंदिर में आयोजित इस बैठक में शामिल शिखा भारद्वाज ने कहा कि कुटुंब यात्रा में सैकड़ों महिलाएं पित साड़ी पहनकर शामिल होंगी। हम सभी महिलाओं में बहुत जोश है इस कुटुंब यात्रा को लेकर, और मैं सभी आगरा वासियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस कुटुंब यात्रा को हमारा सफल बनाएं, जो भगवान टॉकी से शिराज होटल तक जाएगी, और सभी जाएं और इसको यात्रा को सफल बनाएं। जी, हमारी जो 21 मई को कुटुंब यात्रा है परशुराम जी की, उसकी शोभा यात्रा के लिए बहुत जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं, और हमारा जो मेन उद्देश्य है, घर से जितनी भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, और जो भी पुरुष भाई हैं, वो सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। भगवान टॉकीज से शुरू होकर श्री भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर ताज रोड पर समाप्त होगी। मनकामेश्वर मंदिर में हुई इस बैठक में राहुल चतुर्वेदी, पवन समाधिया मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।